दोस्तों मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया ने एशिया कप 2023 के फाइनल में श्रीलंका को 10 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ भारत ने रिकॉर्ड 8वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। श्रीलंका की टीम इस मैच में महज 50 रनों पर ही ढेर हो गई और भारत ने बिना विकेट खोए महज 37 गेंदों पर यह लक्ष्य हासिल कर लिया। आपको बता दें, इस महा अंतिम मुकाबले में मेजबान श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, जो गलत साबित हुआ। भारतीय तेज गेंदबाजों के सामने मेजबान टीम 15.2 ओवर में केवल 50 रन पर ही ढेर हो गई। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने घातक गेंदबाजी करते हुए इस अंतिम मुकाबले में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 7 ओवर में 21 रन देकर 6 विकेट झटके। वही जसप्रीत बुमराह ने 1 और हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट अपने नाम किए। श्रीलंका की ओर से विकेट कीपर बल्लेबाज कुशल मेंडिस ने सर्वाधिक 17 रन बनाए। मेजबान टीम के 5 बल्लेबाज तो खाता भी ना खोल सके। 51 रन का छोटा सा लक्ष्य भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और ईशान किशन ने 6.1 ओवर में पूरा किया। शुभमन गिल 27 और ईशान किशन 23 रन बनाकर नाबाद लौटे। मोहम्मद सिराज को अपनी घातक गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। मोहम्मद सिराज ने सबका दिल जीतते हुए अपना मैन ऑफ द मैच का प्राइस ग्राउंड स्टाफ के नाम किया। तो दोस्तों, मोहम्मद सिराज के इस घातक प्रदर्शन और दरिया दिली के लिए वीडियो को दिल से एक लाइक और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।